मैम लु हामीलाई खाना टाइममा खाऊ तात तातो खाऊ भन त भोलि आउँछ मेमिन ल भोलि लिएर आउँछु नि म मेमो हस्पिटल पे सो मेरे दादी यहाँ पर एडमिट है सो अभी दादी को मिलने के बाद मैं जा रहा हूँ दादी का मैसेज दादाजी को पहुँचाने वाला हूँ और कल मैं फिर आऊँगा यहाँ पर ये कोई 5 दिन हो चुके हैं दादी को एडमिट किए हुए सो अभी तो रोज़ाना मेरे यहाँ पर आना जाना रह रहा है अभी सुबह आता हूँ और शाम को घर पे जाता हूँ सो अभी दादी मतलब थोड़ा रिकवर हो रहा है अभी सो देखते हैं 2-3 दिन में शायद डिस्चार्ज भी हो जाएगा दादी यहाँ से। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे ये नए ब्लॉग में और आज मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल फिर से। सो दादी जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए यही कोई 5 से 6 दिन हो चुके हैं। सो दादी ने दादा को एक मैसेज भी भेजा था कि टाइम पे खाना खाने के लिए। सो आज मैं दादा को लेके जा रहा हूँ और लगभग दादी को भी 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देगा डॉक्टर। सो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और मैं दादाजी के यहाँ पर लेके जाने वाला हूँ और देखते हैं आज का वीडियो कैसे होता है और दादी क्या कहती है और दादा क्या कहते हैं और दोनों का ही आज का जो इमोशन देखते हैं हम लोग। सो बने रहेगा मेरे साथ रिवाज ऑफिशियल में। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग हॉस्पिटल में आ पहुंचे हैं दादाजी को लेकर। सो गाइस दादाजी आ रहे हैं, अभी दादाजी आ चुके हैं, अभी देखते हैं और क्या रिएक्शन होता है दादी का। मैं सुती रह म बेलुका आउँछु ल ल अपि किन रुखो छक्क पनि किन रुइरहेको इमोसनल भयो कि दादु। दादी तो मतलब अलमोस्ट ठिक हो चुकी है, कल दादी को डिस्चार्ज होगा शायद। अभी मैं घर पहुँचाऊँ। सो दादी जी अलमोस्ट ठीक है, सो डिस्चार्ज होगा शायद कल या परसों। दादाजी भी दादीजी को मिल के आ चुके हैं। सो एक्चुअली दादीजी के जो पैर में स्वेलिंग आ रहा था सो इसलिए डिस्चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि दादी ने कभी भी वो सलाइन मोटर नहीं लगाया था। सो इसलिए सलाइन मोटर की वजह से स्वेलिंग थोड़ा बहुत आ रहा है पैर पे। सो स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर दादाजी को डिस्चार्ज भी हो जाएगा। और दादाजी बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि बहुत दिनों बाद दादी जी को मिल रहे थे और दोनों एक दूसरे से मतलब इतने दिनों तक दूर नहीं रहे थे अभी तक। सो थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए थे दादाजी। तो दोस्तों ये मेरा ये वाला ब्लॉग मैं इतना ही यहीं पे मैं रखना चाहूँगा और प्लीज़ आप सभी लोग मेरे दादाजी के लिए प्रे कीजिएगा और जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर आ जाए। सो देखते रहेगा रिवाज ऑफिशियल्स।